सोई आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। गुरु नानक दा गुरु कौन है? शब्द ते अखीर विच शरीरक दस जामे धारण करके गल शब्द गुरु तो आरंभ की, शब्द गुरु दे नाल सानू जोड़ दिता। महाराज कृपा कर दे, मैं वह गुरु करा जेड़ा केवल ते केवल मेरे अंदर सच ही दृढ़ करे, पक्का करे। अकथ कथावा शब्द मिलावा, ते मैनू अकथ कथावा, अकथ वाहिगुरु परमात्मा दिया सिफतां सुनावे, ते अपने शब्द दे राही मैनू उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाल मिला देवे। हर के लोग अवर नहीं कारा, वाहिगुरु परमात्मा दे जिहड़े लोग ने हट के लोग, उन्होंने होर कोई काम नहीं, भाव वह वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं। हर के लोग अवर नहीं कारा, इसका यह भाव नहीं कि वह जिंदगी दे अंदर कोई काम नहीं करते, नहीं काम भी करते ने, उदम भी करते ने, धंधा भी करते ने, किरत भी करते ने, पर नाल दी नाल साचो ठाकुर साच प्यारा। हरी दे लोक केवल ते केवल मालक वाहिगुरु परमात्मा दे नाल प्यार करदे ने, सच्चे मालक दे नाल जुड़दे ने, थिर वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जुड़दे ने। इउं कह लो कि दुनिया दी किरत विरत करदे आ, दुनिया दे विच रहिंदे आ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਹ ਮਾਲੂਆ ਮਨ ਮਹ ਸਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, तन विचों मन बाहर नहीं जांदा, किन्हां दा जिहड़े गुरु की कृपा दे पात्र बन के साचो ठाकुर साच प्यारा वारी अवस्था धारण कर लेंदे। तन विचों उन्हां दा मन बाहर नहीं जांदा, भाव भटकणा विच नहीं पैंदे, मन टिका विच रहिंदा है। साडे तन विच तां मन रहिंदा ही नहीं, सत्संगत तन बैठा है, मन है ही नहीं। फिर पंक्तियां पढ़िओ, तन में मनवा मन में साचा, उन्हां दे शरीर विच मन टिकिया रहिंदा है, ते मन विच सच्चा वाहिगुरु परमात्मा टिकिया रहिंदा है। तन में मनवा मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, ओ सच्चे दे नार ही मिलके उस विच रचे मिचे रहिंदे, भाव ओत पोत होए रहिंदे ने। बेशक वह अपनी किरत विरत करन, पर उन्हां दी अवस्था होंदी है मन मेरो गज, जेबा मेरी काती, मप मप काटू जम की फासी, कहां करो जाती कहां करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती, रांगन रांगू सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी ना जीवो वाली अवस्था उन्हां दी बनी रहिंदी है। सेवक प्रभ का लागा पाए, जेरे रब दे प्यारे ने प्रभु चरणा विच लगे रहिंदे हन, सतगुर पूरा मिलाए मिलाए, उन्हां दी अरदास होंदी है के पूरा सतगुरु सानू जीवन दे अंदर मिल जावे। आप दिखावा आपे देखा, वाहिगुरु परमात्मा अपने दर्शना दी दात आप कृपा करके देंदा है, ते आपे वेखा तो भाव सारे जीवन दी संभाल भी वो आप कर रहा है। हठ ना भतीजा ना बहु भेखा, उस वाहिगुरु परमात्मा नू हठ कर्म करके या भेख दे कर्म करके पत्याया नहीं जा सकता, रजाया नहीं जा सकता, खुश नहीं किया जा सकता। क्योंकि महाराज ने बाणी दे अंदर कृपा की, भेखी प्रभु न लभई बिन सच्ची सिखंग, भेखा नाल वाहिगुरु परमात्मा नहीं लभदा। क्योंकि प्यारे
इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। हठ न पतीजै ना बो पेखै, ना वो हठ नाल पतीजै, भाव हठ नाल कर्म कान कीत्या पतीजै, ते ना ही वो किसे पेख नाल पतीजदा है रीजदा है। घर भांडे जिन अमृत पाया, जिस वाहिगुरु परमात्मा ने सारे शरीर बना के अपनी कृपा दे नाल अमृत भी टिकाया है, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, उस वाहिगुरु परमात्मा दी कृपा केवल ते केवल उसकी प्रेमा भगती दे नाल हुंदी है। पड़ पड़ भूला है चोटा खाहे, कईयां नूं अपनी विद्या दा हंकार हुंदा है, पढ़ाई दा हंकार हुंदा है, पर वो पढ़ाई दे जरिए पढ़ाई नूं केवल अगे रखदे ने, विद्या नूं केवल अगे रखदे ने, पर वाहिगुरु परमात्मा नूं चेते नहीं करदे, वो अपने जीवन दे अंदर चोटा खांदे हन। बहुत सियान पयावह जाहे, ते विद्या दा मान सियानप उन्हां दे अंदर टिकिया रहिंदा है, जिस कारण करके असली कर्म अपने जीवन दे अंदर करदे नहीं, ते आवन जान दा चक्कर उन्हां दा बनिया रहिंदा है। नाम जपै पौ भोजन खाए, जिहड़े नाम जपदे ने वाहिगुरु परमात्मा दा निर्मल पौ रूपी भोजन खांदे हन। गुरमुख सेवक रहे समाए, ऐसे सेवक गुरु दी कृपा नाल वाहिगुरु परमात्मा दे विच लीन होए रहिंदे हन। पूजा सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पए उदासा। बहुत सारे लोग पूज सिला मूर्तियां दी पूजा भी करदे ने, तीर्थां ते इशनान भी करदे ने, जंगलां विच वासा भी करदे ने, ते उदास होके अपने जीवन दे अंदर भटकदे भी रहिंदे हन, पाप भ्रमण भी करदे रहिंदे हन। मन मैला सूचा क्यों होए, ते जे ये कर्म करके भी मन मैला ही रहा ते पवित्र किवें होणगे। फिर ध्यान देवियो, गल केवल मूर्ति पूजा करन वालियां दी नहीं, तीर्थां ते इशनान करन वालियां दी नहीं, या जंगलों विच वासा करन वालियां दी नहीं, या घरां नूं छड के बाहर भटकन वालियां दी नहीं। बेनती करां आपां भी जे केवल ते केवल बाणी पढ़दे रहे, बाणी नूं जीवन दे अंदर ढालिया ना, ते फिर प्यारियो मन सुचा नहीं होवेगा, मन सुचा नहीं होवेगा, क्योंकि महाराज कृपा करदे ने। मन सुचा कदों होना है, जदों सच्ची विचार अंदर आ जावेगी। इत्थे महाराज कृपा करदे ने, मन किवें सुचा होवे इन्हां कर्मकांडा दे नाल। साच मिले पावे पत सोए, जिहड़ा सच्चे दे नाल मिल जांदा उहनूं वाहिगुरु परमात्मा दे दर ते इज्जत मिलदी। वेखो ना आपां पढ़ी भी जाइए सतगुरां दे ये बचन, आप जी बहुत वारी सवैया जिहड़ा है सतगुरु जी दा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा, खालसे दी परिभाषा दे संबंध विच पढ़दे हो। जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैकन आनै, पूर्ण प्रेम परती सजै, ब्रत गोर मड़ी मट भूल न मानै, तीर्थ दान दया तब संजम, एक बिना न एक पछानै, पूर्ण जोत जगै घट मैं, तब खालस ताहे निखालस जानै। पढ़ी भी जाइए, जे अमल नहीं ते फिर प्यारे वाहिगुरु दे दर ते इज्जत प्राप्त नहीं होवेगी। महाराज कृपा करदे ने, पूज सिला तीर्थ बनवासा, भरमत डोलत पए उदासा, मन मेरे सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। जिहड़ा सच्चे दे नाम नाल जुड़ जांदा है, इज्जत उहनू मिलदी है, क्योंकि हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। आचारा विचार शरीर, आद जुगाद सहज मन तीर, पाल पंकज मह कूट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे। अर्थ
अखीरली पंक्ति तो आरंभ करने कर कृपा गोरे मेल प्यारे कर कृपा गुर मेल प्यारे हे प्यारे वाहिगुरु प्रभु जी मेरे ते कृपा कर मेरा मिलाप पूरे गुरु दे नाल हो जावे केड़ा गुरु केड़ा गुरु जिन्ने एक खिन दे विच अख चमकन दे समय विच करोड़ा जीवा नू विकारा तो बचा लिया पल पंकज मैं कोट उधारे पल निमक पंकज इथे अखा वास्ते है पंकज इथे अख वास्ते आया अख दे चमकन जिन्ने समय विच जिन्ने करोड़ा जीवा नू विकारा तो बचा लिया प्यारे प्रभु ऐसे गुरु दे नार मेरा मिलाप करा आद जुगाद सहज मन तारे आद जुगाद तो पाव है हमेशा ही जेड़ा गुरु आत्मक अडोलता दे विच टिकिया रहिंदा है आत्मक अडोलता दे विच टिकिया रहिंदा है फिर महाराज कृपा कर देने अचारा विचार शरीर जिस वाहिगुरु परमात्मा दा आचरण गुरु दा आचरण भी उच्चा है जिस गुरु दी विचार भी सुची है जेड़ा शुरू तो लैके अंत तक हर वेले आजुगाद हर वेले आत्मक अडोलता दे विच टिकिया रहिंदा है जेड़ा एक निमक विच अख चमकन दे समय विच करोड़ा मनुखां दे विकारां नूं कट देंदा है वाहिगुरु ऐसे गुरु दे नाल मैनूं मिला किसे आगे प्रभ तुद सलाही वाहिगुरु जी मैं तेरी सिफत सलाह किस अगे करा तुद बिन दूजा मैं को नाही तेरे वर्गा दूजा मैनू कोई नजर नहीं आंदा जो तुद पावे त्यों राख रजाए बस जिवें तेनू चंगा लगे ओवें मैनू अपनी रजा दे विच रख नानक सहज पाए गुण गाए ते वाहिगुरु जी तुहाडा दास नानक आत्मक अडोलता दे विच टिक के तुहाडे गुण जड़े ने ना ओ जिंदगी दे अंदर गांदा रहे वाहिगुरु साहिब जी बारे माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बारह मां ये बाणी दा सरलेख क्योंकि सत्संगत एक कविता दा ए नाम है काव दा नाम है जिवें घोड़ियां अलानियां पैरे इसे तरह बारह मां एक सरलेख है बाणी दा नाम है क्योंकि बारह मां गुरु नानक पातशाह तो पहला ही गाए जांदे सी पर ओ सन इश्के मजाजी सतगुरां ने काव दा नाम ओहो ही वरत लिया पर ए इश्के हकीकी सच नाल जुड़न दी गल कीती बारह मां बाणी दा नाम माज राग महला पंजवा पंजवी नानक जी दी ए बारी भाव गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप गुरु नानक दी बारी घर चौथा इनू गायन करना घर चौथे दे अंदर वाहिगुरु एक है सारियां शक्तियां दा मालक है गुरु कृपा नाल प्राप्त हुंदा है किरत करम के विछोड़े कर कृपा मिलो राम ये अरदास करन दा एक ढंग है जेड़ा इस बारी दे पहले बंद दे अंदर सानू दस्या है असी दोषी होरना नू ठहराने फिर ध्यान देवियो कदी अपने कर्मां वल ध्यान नहीं दिता असी दोष कढ़ने जानदे आ दोषी ठहराना जानदे आ पर महाराज आखदे ने दद्दा दोष ना दिओ किसे दोष कर्मां अपने मेरा अपना दोष है महाराज आखदे ने किरत कर्म के भी छुड़े वाहिगुरु असी अपने कीते कर्मां दे कारण तेरे नालों विछड़ गए।
पर हुण बेनती की है, कर कृपा मिलो राम। ऐ सारियां विच रमे हुए राम वाहिगुरु परमात्मा कृपा करके हुण सानू अपने नाल मिला लो। क्यों? बहुते फेर पै कृपन को, अब किस कृपा की जय, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी जाए, मेल ले हो दयाल टै पै द्वारिया, रख ले वो दीन दयाल, भ्रमत बहु हारिया। अपने किते कर्मा दे कारण तुहाडे नालों विछड़े हां, कृपा करके अपने नाल मिला लो। चार कुंट दह दृश भ्रम थके आए प्रभ की साम, मोह वसी होके चार कुंटा विच चार चफेरे घूमे हां, थक गए हां, ते हुण तुहाडी शाम शरण विच आए हां। शाम तो पाप तुहाडी शरण विच आए हां, तेन दुद्धा ते बाहरी किता ले आवा काम। साडी हालत की है तेरे नालों विछड़ के, जिवें एक तेन गां दुध तो बगैर किसी काम दी नहीं। सात संगत दुध दिंदी होवे, सारा टब्बर अगे पिछे सेवा संभाल, ते जे दुध ना देंदी होवे कौन पुछदा है। महाराज आखदे ने जिवें दुध तो बगैर गां किसे काम दी नहीं। जल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम, पारी तो बगैर फसल जिहड़ी है वह कुमला जांदी है, ते जिहड़ी फसल कुमला गई कमजोर हो गई, उस विचों दाम पैसों की आस नहीं की जा सकती कि इसका कुछ मुल पवेगा या सानू कुछ प्राप्ति होवेगी। हर नहा न मिलिया साजना कत पाई आए विश्राम। हे सज्जन वाहिगुरु परमात्मा जी इसे तरह तेरे नालों विछड़ के सानू टिकाना किथे मिल सकता है, सानू आराम किथे है। जित घर हर कंत न प्रगटई पाठन नगर सब ग्राम। जिस हिरदा रूपी घर दे अंदर मालिक वाहिगुरु परमात्मा प्रगट नहीं होया, उस मनुख नू वस दे नगर ते जिहड़े ग्राम ने ओह भठियां वर्गे नजर आंदे ने तपदे होए। शराब सिगार तंबोल रस सण देही सब खाम। जिवें एक इस्त्री नू अपने पति दे मिलाप तो बगैर किते हुए सारे शिंगार भावें ओह पारां दे बीड़े हन ते भावें होर सारे शिंगार सरे देही दे व्यर्थ जाप देन, इस तरह वाहिगुरु जी मेरे किते हुए सारे कर्म व्यर्थ हन जे जिंदगी दे अंदर तेरा मिलाप नहीं होया। प्रभ स्वामी कंत वेहुणिया मीत सज्जन सब जाम। मालिक वाहिगुरु परमात्मा दे मिलाप तो बगैर आ जिन्ने सज्जन मित्र ने ये भी सारे जम ही नजर आंदे ने जे उस नाल मिलाप नहीं होया। नानक की बेनंती है कर कृपा दी जाए नाम। वाहिगुरु जी मेरी नानक दी तुहाडे चरणा दे विच अरदास है, बेनती है, अरदास है कि मैनू अपने नाम दी दात दियो। सात संगत नाम मिलना है गुरु कोलों, ते नाम जपिए जीवन सफल होना है, ते ए अरदास करनी है वाहिगुरु दे चरणा विच जिवें गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू ढंग समझा रहे ने, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, ए अरदासा अठे पैर करनिया हन। हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेह चलताम। हे मालिक वाहिगुरु परमात्मा जी तेरा जड़ा धाम है ओ ना चलायमान है, अविनाशी है, अटल है, ते ऐसे टिकाने दे नाल मैनू भी जोड़ लवो, कृपा करो। चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद घना। सात संगत राती भी वधाइयां दित्तियां सारियां ने नवे साल दियां, ते अज भी संगरांद दा नाम मूंह कढ के वधाइयां दे रहे आपां।
महाराज आखते ने प्यारो चेत गोविंद आराधी है। चेतर दे महीने राही समझांदे ने उस गोविंद की आराधना करिए लाभ की होवेगा होवे आनंद घना जिंदगी दे अंदर बहुत आनंद प्राप्त होवेगा। ते कहोगे माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख। चेत दे विच गोविंद नू आराधिए बहुत आनंद प्राप्त होवेगा। संत जना मिल पाई रसना नाम पणा ए रसना नाल पणा जपन दी जिहड़ी दात है ए प्रभु प्यारे संत जना दे कोलो प्राप्त होनी है। जिन पाया प्रभ अपना आयत सहगना जिन्ना ने अपना वाहिगुरु परमात्मा इस जीवन दे अंदर प्राप्त कर लिया उन्हां दा ही आना गिनती दे विच है। उन्हां दा आना ही गिनती दे विच है क्योंकि गुर सेवा ते भगत कमाई तब ई मानस देही पाई इस देही को सिमरा देव सो देही पज हर की सेव। जे गुरु नू मिलके भगती कीती है ते समझो मनुखा देही प्राप्त होइए नहीं तो सतगुरां ने आम जिहड़ियां जूना ने जिन्हां नू आपां निंदे हां मनुख नूं तां उन्हां तों वी थले खड़ा कर दिता भी जे तेरे कोल गुरु मंत्र नहीं जे तेरे कोल वाहिगुरु मंत्र नहीं जे तू नाम नहीं जपिया ते फिर की है। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहे तन। जिन्हां ने मालिक नूं जपिया पाया उन्हां दा ही आना सफल है। एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जाना महाराज आखदे ने एक खेन उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाम तो बगैर जीवना या उन्हूं विसारना ए भी एक बिरथा जन्म जना जिहड़ा ना पाप जन्म लै लिया मनुख दा पर चला गया अजाई क्योंकि मनुख वाला काम कीता नहीं। जल थल महियाल पूरिया रवेया विच वणा ओ वाहिगुरु परमात्मा जल विच भी है थल ते भी है वणा दे विच भी है। सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गना ओ वाहिगुरु परमात्मा जिन्हां नूं चेते नहीं आंदा याद नहीं आंदा उन्हां दा दुख बयान नहीं कीता जा सकदा कितड़ा दुख गना तो भाव उन्हां दा दुख दस्या ही नहीं जा सकदा। जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना जिन्ना ने वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन कीता उन्हां दे भाग मना मुई हो गए भाव बहुत ज्यादा जाग पाए। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना वाहिगुरु जी मेरा तेरे दर्शन नू मन चाहता है ए मैनू प्यास तेरे नाम दी लगी हुई है मन करके। चेत मिलाए सो प्रभु तिस काय पाए लगा आखिर विच महाराज कृपा करदे ने चेतर दे महीने राई के कोई मैनू उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जोड़ देवे मैं उस दे चरणी लगदा हां। कोई जन हर स्यो देवे जोर चरण गहो बकू सुबरसना दीजे प्राण अकोर। प्यारियो मुख वाक दा ते बारह मां दे ए दो शब्द पौड़ियां जिहड़ियां आरंभक हन इन्हां दा भाव ए है कि मनुखा जीवन सानू मिलिया इनू सफल करन वास्ते केवल ते केवल गुरु दी कृपा दे पात्र बनिए गुरु दी मत नू जीवन दे अंदर धारण करिए वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन करदियां बाणी बाणी दे धारनी होके साध संगत अपने आप नू पंथ नाल भी ते ग्रंथ नाल भी जोड़ के भगती ते शक्ति दे सोमे नाल भी जोड़ के या इउं कह लवा कि आपां गुरु की विचारधारा नू जीवन दे अंदर धारण करदे आं अकाल तखत दी रहनुमाई हेठ जिहड़ी मर्यादा है उहनू भी जीवन दे अंदर धारण करांगे ते जरूर साडा आउणा सफला हो जावेगा। सतगुरु कृपा करन आप भी जीवन दे अंदर गुरु दी मत दे धारनी होइए नाम जपिए ते होरना नू भी साध संगत ए प्रेरणा करिए साडा आउणा ते होरना दा आउणा भी साडे नाल मिलके सफला हो जावेगा।
इन्ने कु वचन आप जी दे नाल पावन शब्दां दे आधार ते सांझे करदा होया विचारां नूं संकोचदा हां जी भुला चुका दी खिमा। आओ अखीरलियां पंक्तियां दे आपां इक वारी पाठ दुहरा लईए। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।